नमस्कार और वेलकम टू जी चिल्स। गुजराती लोगों पर विदेश मंत्री जयशंकर ने दिया चौंकाने वाला बड़ा बयान। जयशंकर ने मोदी और शाह जैसे गुजरातियों पर किया बड़ा खुलासा। विदेश मंत्री जयशंकर को गुजरात से ही सांसद क्यों चुना गया, आज उन्होंने बता दी अंदर की बात। प्रधानमंत्री गृह मंत्री के बाद क्या विदेश मंत्री भी निकला गुजराती। गुजरात से अपने पारिवारिक संबंध पर जयशंकर ने तोड़ी चुप्पी। जयशंकर ने दुनिया को बता दिया कि आखिर वह क्यों बार बार गुजरात जाते हैं। भारत की तरक्की में गुजराती लोगों का क्यों बड़ा योगदान है, आज जयशंकर ने किया खुलासा। आखिर क्यों भारत का विदेश मंत्री गुजरात से ही होना चाहिए, जयशंकर ने पेश की दलीलें। भारत के विदेश मंत्री जयशंकर अपने ताबड़तोड़ जवाब से विरोधियों की बोलती बंद करने के लिए जाने जाते हैं। उन्होंने भारत के खिलाफ आवाज उठाने को लेकर अमेरिका और यूरोप के कई बड़े बड़े देशों की जुबान खींच ली। जयशंकर के सख्त एक्शन के कारण आज भारत की फॉरेन पॉलिसी सॉलिड तरीके से हुई है। वह पीएम मोदी के नेतृत्व में भारत की विदेश नीति को शानदार तरीके से चलाने के अलावा अपने बेबाक अंदाज से हमेशा चर्चा में रहते हैं। उन्होंने अपने तूफानी अंदाज से रूस, अमेरिका जैसे कई बड़े देशों का दिल भी जीता है, तो वहीं दूसरी तरफ उन्होंने चीन और पाकिस्तान जैसे देशों का काफी नुकसान भी पहुंचा है। गुजराती लोगों के बारे में बात करते हुए जयशंकर का ऐसा एक वीडियो चर्चा का विषय बना हुआ है, जिस वीडियो में वह बाहर से भारत के बाहर विदेशों में पढ़ने वाले जो भारतीय छात्र हैं उनसे बात करते देखे जा सकते हैं। आमतौर पर जयशंकर की इंटरव्यू मीडिया में धमाल मचाए रहती, जिसमें वो अपने जवाबों से जर्नलिस्ट को हक्का पक्का कर देते। इसी दौरान एक छात्र ने जयशंकर से पूछा कि आप ढेर सारे गुजराती लोगों से घिरे हुए क्या महसूस करते हैं, और आपको बता इस पर जयशंकर ने जो जवाब दिया वो हर भारतीय का दिल जीत लेगा। आप सभी को भी ध्यान से सुननी चाहिए कि उनकी यह बेहद खास बात। छात्र ने उनसे पूछा कि जैसा कि आप गुजरात से राज्यसभा सांसद के तौर पर निर्वाचित हुए हैं और हमारे प्रधानमंत्री के साथ हमारे गृह मंत्री भी गुजरात से ही हैं, तो आप ढेर सारे गुजराती लोगों से घिरे हुए कैसा महसूस करते हैं। इस पर जयशंकर ने कहा कि मुझे यह पसंद है, यह मेरे लिए काफ़ी दिलचस्प है, क्योंकि आप जानते हैं भारत में हर किसी के पास देश के हर हिस्से से कुछ दोस्त होते हैं, तो जाहिर तौर पर मेरे जीवन के विभिन्न चरणों में बड़े होते हुए हमारे पास भी किसी न किसी तरह से गुजरात के कुछ परिवार थे जिनके साथ हमारे पारिवारिक संबंध थे। लेकिन इसके बाद जयशंकर ने बेहद दिलचस्प बात बताई जिसे आप बिल्कुल भी इग्नोर नहीं कर सकते। जयशंकर ने कहा कि आप जानते हैं कि जब मैं चुनाव के लिए वहां गया था और उसके बाद मैं वहां स्पष्ट रूप से भारत के किसी भी अन्य राज्य की तुलना अधिक बार जाता हूं। उन्होंने कहा कि मैं वास्तव में अपने आप को अपने लिए बहुत स्वाभाविक तौर पर फिट पाता हूं। जयशंकर ने यहाँ साफ कर दिया कि वह बार बार गुजरात जाना पसंद करते हैं और वह गुजरातियों के बीच खुद को बेहद फिट मानते हैं। शायद इसी कारण उनके पीएम मोदी के साथ केमिस्ट्री भी काफ़ी जमती है। जयशंकर जैसे रिटायर्ड अधिकारी को सीधे विदेश मंत्री बनाकर मोदी ने भी दिखा दिया कि गुजराती कैसे सोचता है। जयशंकर ने आगे कहा कि गुजराती सभी भारतीयों में सबसे अधिक ग्लोबल है। आप जानते हैं कि ऐसा कुछ भी नहीं है जिसे वे सुलझाना नहीं जानते। जयशंकर के अनुसार गुजराती लोग बेहद टैलेंटेड होते, हमेशा दुनिया के साथ खुद को परखने की कोशिश करते हैं। विदेश मंत्री ने आगे कहा कि जो भारत के पास खुद के बहुत कम संसाधन थे, लोगों के पास वे सभी सुविधाएं नहीं थी जो आज हमारे पास हैं। तब गुजराती ऐसे लोग थे जो बहुत कठिन परिस्थितियों में पूरी दुनिया में गए और एक ग्लोबल फुटप्रिंट बनाया। जयशंकर का यह बयान बेहद प्रभावशाली, इसमें उन्होंने साफ कर दिया है कि भारत का ग्लोबल फुटप्रिंट बढ़ाने में गुजराती लोगों का बड़ा योगदान है। गुजराती लोगों ने दुनिया के कोने कोने में भारतीयता को काफी पहले से बसाए रखा है। इसके बाद उन्होंने गुजराती लोगों पर एक और बड़ा खुलासा किया। बता दें कि विदेश मंत्री ने कहा है कि गुजरातियों के बीच एक बहुत मजबूत सामुदायिक भावना भी है, ऐसा भारत में किसी के पास नहीं है, या विशेष तौर पर गुजरातियों के पास काफी अच्छे तरीके से, इसलिए मैं कहूंगा कि यह स्वाभाविक है कि विदेश मंत्री का चुनाव भी गुजरात राज्य से ही किया जाना चाहिए। इस तरह से आप सभी ने देख लिया कि भारत के प्रधानमंत्री, गृह मंत्री और विदेश मंत्री तीनों एक तरह से गुजरात से जुड़े हुए हैं, या फिर यूं कहें कि गुजरात से ही आते हैं। मोदी की तारीफ करते हुए विदेश मंत्री एस जयशंकर ने हाल ही में कहा था कि पिछले दशक में भारत में आई सामाजिक आर्थिक क्रांति के पीछे की वजह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं। इसके साथ ही कहा कि उनके नेतृत्व की वजह से ही देश में पिछले दशक में सामाजिक आर्थिक क्रांति आई है। विदेश मंत्री जयशंकर ने यह भी कहा था कि मोदी जैसा दूरदर्शी और जमीन से जुड़ा हुआ राजनेता जीवन काल में एक ही बार आता है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के बारे में असाधारण बात यह है कि वो बहुत सी चीज़ों की नब्ज पकड़ लेते हैं और फिर उन्हें नीतियों और कार्यक्रमों में तब्दील कर देते हैं।
जयशंकर ने कहा कि यह भारत का सौभाग्य है कि नरेंद्र मोदी जैसा व्यक्ति इस समय देश का प्रधानमंत्री है। फिलहाल इस पूरी अपडेट और विश्लेषण पर आप अपनी राय नीचे कमेंट में जरूर लिखें। जल्द मिलते हैं एक और नई अपडेट के साथ। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आप सभी तक नेक्स्ट वीडियो आसानी से पहुंच सके। वीडियो अंत तक देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।